बॉलीवुड का एक ऐसा हीरा जिनके स्टाइल को दुनिया आज भी फॉलो करती है, क्योंकि उनका अंदाज ही सबसे हटके और चार्मिंग था। बात हो रही है देव आनंद की, जिनकी आज 100th बर्थ एनिवर्सरी है। वो जिद्दी बनकर दुनिया पर छाए और इश्क की बाजी लगाकर मंजिल की तलाश में भटकते रहे। उन्होंने तेरे घर के सामने जाकर जब प्यार किसी से होता है कहने की कोशिश भी की, लेकिन जमाना असली नकली के चक्कर में इंसानियत ही भूल गया। आलम ये रहा है कि उनके खिलाफ ऐसी चार्जशीट तैयार कर दी गई थी कि वो अपने प्यार को मंजिल पर पहुंचाने वाले गाइड नहीं बन सके। बात हो रही है हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले देव आनंद की, जिनकी मोहब्बत ने धर्म की दीवार के सामने घुटने टेक दिए थे। आज देव आनंद की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है और ऐसे में हम आपको उनकी जिंदगी के ऐसे किस्सों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो बेहद कम लोग जानते हैं। 26 सितंबर 1923 के दिन पंजाब के गुरदापुर जिले के शिकरगढ़ तहसील में जन्मे देव आनंद ने लाहौर यानी कि ब्रिटिश इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया था। हालांकि बॉम्बे जो मुंबई हो चुका है जाने के लिए उन्होंने कुछ समय बाद अपना घर छोड़ दिया था और शुरुआत में देव आनंद ने बॉम्बे के चर्च गेट में मिलिट्री सेंसर ऑफिस में काम किया। उस वक्त उन्हें सिर्फ पर मंथ का 65 रुपीज की सैलरी मिलती थी। बॉम्बे में देव आनंद ने अशोक कुमार की फिल्में अछूत कन्या और किस्मत देखी, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपनी चमक दिखाने का फैसला कर लिया। देव आनंद ने फिल्म हम एक हैं से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वो सिनेमा की दुनिया के ऐसे सितारे बन गए जिसकी चमक आज तक बरकरार है। बता दें कि फिल्मों में काम करते करते देव आनंद को सूर्या से बेपनाह इश्क हो गया, लेकिन मोहब्बत की ये दास्तां परवाह नहीं चढ़ सकी। दरअसल दोनों ने विद्या, शायर, अफसर, नीनी, दो सितारे और सनम समेत कई फिल्मों में काम किया और उस दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आते चल गए और एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत भी करने लगे। हालांकि अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखने की वजह से देव आनंद का इश्क परवान नहीं चढ़ पाया और फैमिली डिसएग्रीमेंट के दबाव के आगे सूर्या ने हार मान ली, लेकिन ताउम्र शादी नहीं की। सूर्या संग मोहब्बत की दास्तां अधूरी रहने के बाद देव आनंद बुरी तरह टूट गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं उसका हो जाता तो मेरी जिंदगी कुछ और होती, अगर मैं उससे शादी कर पाता तो शायद मैं वो देव आनंद नहीं होता जो आज मैं हूँ। बता दें कि देव आनंद ने साल 1954 के दौरान कल्पना कार्तिक से शादी की और उनके दो बच्चे सुनील आनंद और देविना हुए। फिलहाल आपके इस पर क्या है व्यूज हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। एंड फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स डू सब्सक्राइब अवर चैनल।